अगर आपका रिट 2021 की सेकंड गुना की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आया है या फिर आप उसमें चयनित हुए हो, तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने, और साथ ही फ्रेंड्स आपको जो है न्यू पोस्टिंग पोर्टल में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो किस प्रकार से जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, मतलब जो है जैसे कि 10th की मार्कशीट एक साइड से अपलोड करनी है या दोनों साइड से अपलोड करनी है, या फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त साइज और कॉपी में प्रॉब्लम आ रही तो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, इन सब के बारे में कंप्लीट से डिटेल में हम जानने वाले हैं। और साथ ही जो है आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स या चेकलिस्ट है वो किस प्रकार से आपको फिलअप करनी है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट से विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टेप या हर एक जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से बनवाने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट बता दूंगा और कंप्लीट आपको फिलअप करके दिखा दूंगा किस प्रकार से जो आपको आयकर घोषणा पत्र भरना है, और आपको जो है कौन कौन से जो शपथ पत्र है वो स्टाम्प में बनवाने या सादा कागज़ पे बनाने, तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि न्यू पोस्टिंग पोर्टल पे आपको जो है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि न्यू पोस्टिंग पोर्टल, तो आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हो या फिर किसी भी ब्राउजर में आके यहाँ पे आपको सर्च करना है न्यू पोस्टिंग पोर्टल। तो इतना लिख के आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो है शाला दर्पण की एक किस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी, rajshaladarpan.in। तो इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, तो आप जो है सीधा इसी वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पोर्टल होम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आप तीन स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या अपलोड। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फो देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको जो है व्यू मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो डिटेल है यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर कल जो साइट बिजी चल रही थी उसकी जो सूचना यहाँ पे दे रखी, तो यहाँ पे आपको और भी सूचना आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखते रहना है। और अगर हम बात करें कि आप जो है किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने, तो वो की जो लिस्ट है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या फिर मैं उनका लिंक आपको दे दूंगा तो आप वहाँ से भी उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी चेक लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो, वो चेक लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन आपको उसी नंबर से करना है जो नंबर आपको काउंसलिंग करवाते समय एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुए, यानी कि आपने SSO ID के माध्यम से 32,000 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, वो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको सही से एंटर करना है, क्योंकि आपको जो सूचना मिलेगी वो आपको मोबाइल नंबर पर ही मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा मोबाइल और Gmail ID पर, तो वो आपको जो है सेव कर लेना, उनको किसी के साथ में साझा नहीं करना, किसी को भी आपको जो है वो एप्लीकेशन और पासवर्ड नहीं देने। उसके बाद में आप यहाँ एप्लीकेशन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो अपने ID और यहाँ पे जो है अपने नीचे पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद में ये कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इनको रीड कर लेना है। इन पर आपको ID और पासवर्ड के लिए बताया गया है कि आपको जो है ID और पासवर्ड किसी के साथ में साझा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जो डिटेल को चेंज कर देता है या फिर आपकी जो डिटेल को है मतलब यहाँ से डिलीट कर देता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखा है, तो ये आपको रीड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे एक मैप शो होता है, तो आपको जो है मैं यहाँ कंप्लीट समझाता हूँ कि यह इसका जो प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल पे जो है आपने जो काउंसलिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन किया था, आपने काउंसलिंग के टाइम में जो डिटेल फिलअप की थी वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर इनको कुछ ब्लर किया हुआ है, तो यहाँ प्राइवेसी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उस कारण मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप जो है ब्लर की हुई है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी डिटेल एक बार कंप्लीट चेक कर लेने, आप यहाँ से अपनी जो डिटेल है उसको चेंजेज नहीं कर सकते, ओनली यहाँ से आप देख सकते हो, तो एक बार देख लेना। अब उसके बाद में आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो यहाँ पर जो स्टार निशान वाला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कंप्लीट से जो है भरना अनिवार्य होता है, अपलोड करना अनिवार्य होता है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो अपलोड कर सकते हो, अन्यथा इनको इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे। तो यहाँ अगर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंजेस करना चाहते हो या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स उसके जगह अपलोड हो गया, तो यहाँ पर आप इस वाले आइकन पर क्लिक करके जो अपलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसकी जो पहले साइज थी वो 200 KB से कम में थी, तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो क्वालिटी वो बहुत लेस हो रही थी। तो विभाग ने इसकी जो साइज़ वो 300 KB कर दिया, तो आप जो है 300 KB में अपलोड कर सकते हो। तो आपको जो एक बार वापसी अपने जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पहले अपलोड कर दिया 200 KB वाले, तो एक बार वापसी चेक कर लेना यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आपका जो प्रीव्यू में आपका डॉक्यूमेंट सही से साफ साफ शो हो रहा है, तो यहाँ से आप जूम इन करके चेक कर लेना कि आपका डॉक्यूमेंट सही से शो हो रहा है या नहीं, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इस चीज़ का तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम वेरीफाई कर लेना है और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना है। उसके बारे में फ्रेंड्स, आप जो है अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब रही बात कि 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से अपलोड करना है, एक साइड से अपलोड करना है या दोनों साइड से स्कैन करके अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो है 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है उसको एक तरफ से आपको स्कैन करके अपलोड करना है, दोनों साइड से अपलोड करने की आपको यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सिर्फ एक साइड से स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और रही DLED की मार्कशीट की बात, तो अगर आपके पास में मार्कशीट और प्रमाण पत्र नहीं है तो आप दोनों मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास में प्रमाण पत्र है तो आपको साथ में प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। तो अगर आपके पास में तीनों चीज़ें अवेलेबल है तो आप तीनों चीज़ अपलोड कर सकते हो, अन्यथा आपको जो दोनों मार्कशीट हैं वो अपलोड करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद में आपको रेट की मार्कशीट अपलोड करनी है ही सही। उसके बाद में यहाँ पे आपको डोमेसल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो उनका प्रयोग भी आपको यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री, तो ग्रेजुएशन की डिग्री में आपको जो है अगर आपने ग्रेजुएशन लगाए हैं तो आपको जो है तीनों ईयर की जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो यहाँ से आप जो है उसका प्रयोग भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने तीनों ईयर की मार्कशीट अपलोड की है नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट के अलावा डिग्री कहाँ से लाए या अपलोड करने हैं या फिर, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में डिग्री है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, अन्यथा आपको अगर आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपको तीनों ईयर की जो मार्कशीट है वही अपलोड करनी है। तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट वो आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करनी हो जाती है, तो उसके साथ में आपको दोनों ईयर की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से जो आपको ग्रेजुएशन वाला मसला देखने को मिल जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट बेड की मार्कशीट अगर आपने जो है विज्ञप्ति के टाइम में अप्लाई किया है तो आप इसको जो है अपलोड कर सकते हो, अन्यथा इन चीज़ों को ब्लैंक छोड़ सकते हो। और फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट का एक पिछले वीडियो में ये भी कमेंट आ रहा था कि सर जो है हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने हमने उसमें लगाया नहीं था लेकिन उसमें गलती से मार्कशीट अपलोड हो गई, तो उसको डिलीट किस प्रकार से करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है डिलीट का कोई अभी तक ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि जो उस डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किया था अगर वहाँ आप कुछ अपलोड नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आपको ब्लैंक पेपर यानी कि खाली पेज जो है स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से जो आपको वहाँ पे वो काम करना है, बाकी जो आपको सेम टू सेम इसी प्रोसेस से जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जो साइज है वो 300 KB कर दी गई है, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक मार्कशीट में आपको जो है 7-8 मार्कशीट को एक साथ PDF बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो साइज में, तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे ID शो हो रही है टेलीग्राम ID मेरी, तो आप इसमें पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हो, तो मैं उनकी जो साइज कम करके आपको वापस से सेंड कर दूंगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, 5-6 मार्कशीट हो रहे हो किसी ईयर की, तब आप कांटेक्ट करना, अन्यथा 1, 2 या 3 तो कोई भी साइज बर KPA वाला कम करके आपके अपलोड कर देगा। तो इस प्रकार से जो है ये प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उनका एक बार प्रीव्यू आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लेना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सही से अपलोड हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्लॉट डिटेल। तो यहाँ पर आपको शो होता है कि आपको जो अभी तक किसी प्रकार कोई स्लॉट आवंटित नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्लॉट है आपको 10 तारीख के बाद में आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो आगे से आपको जो है स्लॉट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अभी कोई स्लॉट यहाँ पे बुक नहीं है, आपको अभी जो है इसी प्रकार से शो होगा। 10 तारीख के बाद में आपको जिस दिन भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
तो आपको जो है इसको डेली रेगुलर चेक करते रहना कि आपको किस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें लॉगिन करके स्लॉट डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको चेक करते रहना है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मोबाइल में भी SMS के थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है किस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, वो डिटेल यहाँ पे आपको 10 तारीख के बाद में शो होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया गया है या फिर नहीं, या फिर किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो ये डिटेल आपको यहाँ पे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको जो है आप इसमें कब जो है लॉगिन कर पाओगे या कब लॉगिन किया है, वो डिटेल यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन हिस्ट्री चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपने जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप दे सकते हो। तो यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ बना सकते हो। आपको जो अपने पासवर्ड किसी के साथ में साझा नहीं करने, किसी भी आपका कोई फ्रेंड हो उनके साथ में, किसी के साथ में अपने पासवर्ड और ID आपको सेंड यहाँ साझा नहीं करनी। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री आप देख पाओगे कि आपके जो ID पे किस किसने लॉगिन किया था, तो उसकी जो है IP एड्रेस यहाँ से आप चेक कर पाओगे। तो आपका जो अगर कोई आपका जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोई खिलवाड़ कर देता है या कोई आपका अदर पर्सन आपका जो लॉगिन कर लेता है आपके इसको अकाउंट को, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो आपको न्यू पोस्टिंग पोर्टल पे है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पे आपको जो है स्लो डिटेल में आपको चेक करते रहना है कि आपको किस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और किस प्रकार से जो आपको चेकलिस्ट भरनी है, तो हम उसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें कि शपथ पत्र और घोषणा पत्र किस प्रकार से बनाने, स्टाम्प में बनवाने हैं या नहीं, तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल या अपने जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करवा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आए मैंने 7 तारीख को जो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करवा लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सब घोषणा पत्र। तो इस प्रकार से जो आपको सब घोषणा पत्र भरना है तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो आपको सब घोषणा पत्र भरना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रमांक डालना है। तो क्रमांक में आपने जो काउंसिल के टाइम आपको आवेदन संख्या प्राप्त हुई वो आपको क्रमांक यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस दिन आप बना रहे हो, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे जीवित संतानों की संख्या में आपको अगर आपने अनमेरिड हो तो 0-0 लिखना है, और यहाँ कुल संख्या लिख लेनी, या फिर 2002 या 2002 से पहले और बाद में जितने भी आपके टोटल संतान हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर दिव्यांग बच्चा है तो उनकी डिटेल हाँ या नहीं में देनी है, अगर आपने कोई गोद लिया है तो आपको उसकी डिटेल हाँ या नहीं में देनी है। तो इस प्रकार से जो ये डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको जो उसकी डिटेल यहाँ दे देनी है, अन्यथा इनको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में अगर आपके किसी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है, अन्यथा इस चीज़ को आपको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर, उसके आपका नाम, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, अपनी जाति और उम्र, और अपना जो एड्रेस यहाँ फिलअप करके अपने हस्ताक्षर और अपना नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको सब घोषणा पत्र आपको भरना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपराधिक रिकॉर्ड न होने का घोषणा पत्र आपको किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ पे भी मैं इसको दिखा देता हूँ। तो जूम आउट करके थोड़ा, तो यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है जिसके नाम से आप आपराधिक रिकॉर्ड का जो है ये घोषणा पत्र बना रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का नाम एंटर करना है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्थान, दिनांक, आप जिस दिन बनाया हो, उसके बाद यहाँ पे आपके हस्ताक्षर, और यहाँ पे आपको अपना नाम और आपकी आवेदन संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन संख्या आपको जो है आप काउंसलिंग के टाइम में आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें से जो आपको ये एंटर करना है। तो इस प्रकार से जो आपराधिक रिकॉर्ड का घोषणा पत्र आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रारूप है या जो घोषणा पत्र है वो आपको किसी स्टाम्प में नहीं बनवाने, आपको किसी प्रकार से नोटरी नहीं करवानी, यहाँ पर सिर्फ आपको इनको फिलअप करके और आपको अपने जो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपने हस्ताक्षर से आपको जो इनको वेरीफाई करना है, बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की आपको नोटरी नहीं करवानी। उसके बाद में हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सब घोषणा पत्र देखने को मिल जाता है शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में। तो हम इनको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद में अपने फिदा का नाम, उसके बाद में निवासी आप कहाँ से हो वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने जो स्थान का नाम दे देना है, आप लोग को अपने जो विलेज का नाम दे देना है। उसके बाद में डेट आपको फिलअप करने, और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर, आप यहाँ पे अपना नाम, और यहाँ पे आपको आवेदन संख्या।
और यहाँ सब सत्यापन में आपको नाम, फादर्स नेम, मीना और मतलब आपकी जो जाति है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर और आपका नाम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देर नहीं लेने वाला घोषणा पत्र, तो इसी को भी सेम इसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका नाम, आपके फादर का नेम और आपका जो निवास स्थान है वो आपको यहाँ पे लिखना है अपने पेन से। इस प्रकार से आपको यह फिलअप करना है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं अपना नाम, उसके बाद में आपके पिता का नेम और अविवाहित हूँ या विवाहित हूँ, तो यह अविवाहित वाला है तो आपको अविवाहित वाला भरना है। और देह नहीं लेना का आपको इस प्रकार से इसमें विवरण दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, उसके बाद में नाम लिखना है, उसके बाद में आपकी आवेदन संख्या यहाँ पे आपको भर देनी है। आवेदन संख्या भरने के बाद में आपको इसको सब सत्यापन करना, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने फादर्स नेम, आपकी उम्र, आपकी जाति आपको यहाँ से सत्यापन करने और अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना। उसके बाद में हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सब घोषणा पत्र मूल निवास के संबंध में, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम सेम इसी प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है, तो आपका जो कंप्लीट एड्रेस हो यहाँ पे आपको सेकंड वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद में स्थान, दिनांक, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर, अपना नाम और अपना जो आवेदन संख्या यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर YouTube की पॉलिसी और अपनी प्राइवेसी के लिए अपनी जो कुछ जरूरी डिटेल थे उनको हाइड किए, तो आप कमेंट में यह मत कहना कि सर आपने तो पूरा जो है प्रारूप आपने हाइड कर रखा है। तो मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पर ओनली कुछ नहीं, मेरा नाम है और यहाँ फादर का नेम है, बाकी आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में अपने हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको नाम। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको इस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगा देना है। उसके बाद में आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद में पिता का नाम और निवासी में आपका स्थान या एड्रेस भी लिख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिटेल या दिनांक लगा देने है और यहाँ पे आपको जो है किसी भी एक अधिकारी से या किसी भी एक जो गवर्नमेंट कर्मचारी या सरपंच से वेरीफाई करवा लेना है यहाँ पे मोहर के साथ। तो दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने, तो दो चरित्र प्रमाण इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में तीन आपको घोषणा पत्र या शपथ पत्र आपको बनाने, तीन, और एक जो है आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे आपको ये सब घोषणा पत्र, तो कुल मिला के पाँच हो गए, एक सौ घोषणा पत्र, चार हो गए ये आपके घोषणा पत्र और दो हो गए आपके चरित्र प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से जो ये आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने। अब फ्रेंड्स, आपको इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से भरना है और कितने पेज का आपको बनवाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट आपको चार पेज का बनाना है, तो यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिल जाएगी। और इनकम सर्टिफिकेट का प्रारूप आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिव्यू शो करवा देता हूँ। तो इस प्रकार से जो आपको इनकम सर्टिफिकेट का प्रिव्यू आपको देखने को मिल जाता है और किस प्रकार से आपको भरना है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको भी कंप्लीट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है, तो इसको भी वेरीफाई करवा लेना आपको फोटो का भी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम, फिर उसके आपको उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना गाँव डाल देना, उसके बाद में तहसील, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करनी है। आपके फादर की जितनी भी उम्र हो रही वो आपको टोटल यहाँ पे देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में स्थिति सेलेक्ट करने के आपके पिता मैरिड हो अनमैरिड हो, तो यह विवाहित वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ धर्म आपको एंटर करना है, उसके बाद में आपकी जाति और उपजाति आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम भी दे, मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, या आप अपना नाम भी दे सकते हो या नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको राजस्थान के मूल निवासी वाले इस पर टिक करना है और या आयकरदाता वाले ऑप्शन पर नहीं ऑप्शन में क्लिक करना। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर और जो टीन नंबर वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना। और उसके बाद में यहाँ पे अगर सदस्य की डिटेल वाले ऑप्शन पे बात करें तो हम यहाँ पे आपके जन आधार में जितने भी मेंबर्स हो उनकी डिटेल यहाँ पे देनी। और उसके बाद में आपकी जो इनकम है वो इस प्रकार से आपकी जितनी भी इनकम हो वो आपको बनी। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट किनको बनाना, तो आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने 2.5 लाख वाले इनकम पे यस किया है तो तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, अन्यथा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो आपको इनकम सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको जो है इसको नोटरी करवा लेना है, तो आपको इसमें भी अपनी डिटेल इस प्रकार से फिलअप करनी है, तो एक बार आपको देख लेना है कि किस प्रकार से जो है आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है और नोटरी करवानी। उसके बाद में यहाँ शपथ वाले में भी नोटरी वाला जो साइन करेगा, तो यहाँ पर आपको प्रार्थी का हस्ताक्षर करवा लेना है और यहाँ पे वो जो है तहसीलदार आप जहाँ पे नोटरी कराते हो वो आपको इसको फिलअप करेगा। उसके बाद में इसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाने, तो आप किसी व्याख्याता के करवा सकते हो या फिर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के करवा सकते हो या फिर सरपंच के करवा सकते हो। सरपंच का तो वैसे इसमें कॉलम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपको किन किन के इसमें हस्ताक्षर करवा सकते हो, तो जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हो वो उनकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप इनमें से किसी के भी यहाँ पे दो उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर और
सेंसिल आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपको इनकम सर्टिफिकेट का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, तो आपको 4 पेज वाला जो इनकम सर्टिफिकेट वो आपको बनवा लेना। अब उसके बाद में हम बात करें चेक लिस्ट की, तो चेक लिस्ट आपको किस प्रकार से भरनी है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप चेक लिस्ट के आधार पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक किए जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई किए जाएंगे। तो इसमें जो आपका अगर मेन पॉइंट की बात करें तो आपका जो चेक लिस्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आधारशिला है, मैंने आपने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से जमाए हैं, किस प्रकार से उसकी फोटो प्रति आपने मतलब एडजस्ट की, वो यहाँ पे आपको शो करना है। तो किस प्रकार से चेकलिस्ट आप भर सकते हो तो यहाँ पे हम समझेंगे। तो इस प्रकार से आपको चेकलिस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको दस्तावेज सत्यापन जिले में आपका जो स्लॉट में आपको जो भी जिला आपको आवंटित होता है वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ना कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट की। आपको सत्यापन के लिए जो भी जिला आवंटित होता है अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट भी हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे सूची क्रम संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आया था इस प्रकार से काउंसलिंग सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से जो ये वाले नंबर है वो वाले नंबर वहाँ पे आपको एंटर करना है। तो ये वाले नंबर आपको और इसके भी आपका जिस भी लिस्ट में आपका नंबर हो, जिस भी पेज में आपका नंबर हो, उसकी प्रिंट आपको इसके भी लेने। तो ये वो लिस्ट है जहाँ इसमें आपका जो 2 गुना के कट ऑफ में आपका नाम आया था। तो इस प्रकार से जो आपको सूची क्रम संख्या में वो वाला डिटेल फिलअप करने, उसके बाद में आप जिस भी क्षेत्र से हो वो आपको यहाँ पे लेना है या एंटर करने। अगर आप TSP क्षेत्र से हो तो आपको TSP वाला, या फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित हो तो गैर अनुसूचित। उसके बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपको काउंसलिंग के टाइम में जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपना नाम, अपनी माता का नेम, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद में आपको आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद फादर नेम, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आवेदन की राशि तो आपको इसको छोड़ देना है, इसको बाद में फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका चेक लिस्ट में सबसे अगर हम बात करें चेक लिस्ट की, तो यहाँ पे आपको जो 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पर सत्यापन दल के उपयोगार्थ है तो और पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ है, तो इन दोनों कॉलम को जो है फ्रेंड्स आपको जो है ब्लैंक छोड़ना है। ये जो आपके अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो इन दोनों कॉलम को वो फिलअप करेंगे, तो आपको इन दोनों में कोई डिटेल फिलअप नहीं करनी। ये दोनों जो कॉलम है, ये वाला और ये वाला, इनको आपको छोड़ना है, इनमें आपको किसी प्रकार कोई एंट्री नहीं करनी। आपको एंट्री करनी इधर वाले, तो इसको आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आपके दस्तावेज या प्रमाण पत्र के नाम, और यहाँ पे जो है संलग्न संख्या, और यहाँ पे है संलग्न सब प्रमाणित हाँ या नहीं में आपको जो है यहाँ पे उत्तर देना है। तो आप जिस भी क्रम में जो अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते हो, या आप जिस भी क्रम में आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक जो आप उसकी PDF फाइल की जो फोटोकॉपी आप बनाते हो वो आपको संख्या यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे कि मैंने ऑनलाइन आवेदन की प्रति को कितने नंबर पे रखा है, तो उसकी जो डिटेल है या उसकी जो संख्या है वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। तो मैं उसको 1 नंबर पे रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 नंबर मैंने एंटर कर रखा है, और मैंने उसमें को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में शामिल किया, तो यहाँ पे यस या हाँ लिखना है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तो उसमें आपको इस प्रकार से ब्लैंक करके और यहाँ पे नहीं लिखना है। और अगर हम बात करें कि आधार कार्ड की प्रति, तो मैंने आधार कार्ड की जो प्रति वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स का जो सेट है उसमें 7 नंबर पे मैंने यहाँ पे रखी, तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर इस पर लिखा, और यहाँ पे आपको हाँ लिखना है। तो इस प्रकार से जो आपको चेकलिस्ट भरने। अब उसके बाद में हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा की जो मार्कशीट यानी कि 10वीं की मार्कशीट, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर पे उसको रखा है, और मैंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ में संलग्न किया, तो यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके बाद में अगर हम 12वीं की अंक तालिका की बात करें, तो मैंने 12वीं की अंक तालिका मतलब जितने क्रम में रखी है वो यहाँ पे संख्या एंटर करनी है, उसके बाद में जो है हाँ या नहीं में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। और अगर फ्रेंड्स आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास में जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख के और यहाँ पे जो इस प्रकार से ब्लैंक वाला जो ओब्लिक कर दूंगा, और डॉक्यूमेंट्स जो नहीं वो यहाँ पे नहीं लिखना। तो आपको जो इस क्रम या इस जो संख्या उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स कितने भी क्रम में रख सकते हो, बस आप जिस भी क्रम में कोई डॉक्यूमेंट्स रखो तो वो डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी। जैसे आधार कार्ड की प्रति इसमें 2 नंबर पे, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में 7 नंबर पे रखे, तो यहाँ पे मैंने 7 नंबर एंटर किया। आपको जो है
इस जो क्रम का आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, इसका आपको किसी प्रकार कोई रिलेशन नहीं रखना है। आपको तो बस अपने डॉक्यूमेंट जिस भी क्रम में रखो वो संख्या आपको इस वाले कॉलम में एंटर करनी है। और यहाँ अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं लिखना है, अन्यथा आप इसको हाँ वाला लिखोगे। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि लास्ट वाले जो कॉलम है इसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं, यानी कि भूतपूर्व सैनिक नहीं होने वाला जो प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से इसमें ब्लैंक करके यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस कॉलम में हमको नहीं लिखना है। और ये जो कॉलम है इधर वाले कॉलम, ये अधिकारियों के लिए, तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो भरेंगे, तो इनको आपको छोड़ देना है, इनको आपको किसी प्रकार से फिलअप नहीं करना। तो इस प्रकार से जो आपको चेकलिस्ट भरनी है वो, अगर हम लास्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना जो स्थान का नाम दे देना, उसके बाद में जिस दिन आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहो जाओ उस दिन की डेट आप लगा सकते हो या उससे पहले की डेट लगा सकते हो, सब वैलिड डेट है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करने हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सब सत्यापन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद अपने पिता का नाम एंटर करना है, उसके बाद में आपकी जाति और आपकी उम्र और आपकी जाति और आप जहाँ के निवासी हो और आपका व्यवसाय क्या है वो आपको शिक्षा लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है अपने हस्ताक्षर कर देना है। तो इस प्रकार से जो आपको अपनी कंप्लीट चेकलिस्ट भरनी है और अपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपको सेट बनाना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है, आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रति, आप जो भी प्रति आपको संलग्न करनी है, जो प्रति यानी कि फोटो कॉपी का आपको किस क्रम में आपको रखना है, तो फोटो कॉपी वाले जो है चेकलिस्ट आपको बनाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसी वे में व्यवस्थित करने हैं, इसी क्रम में जमाना है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने फोटो कॉपी को जो आप जिस क्रम में जमाते हो या जिस क्रम में आप फोटो कॉपी रखते हो वो आपको यहाँ पे उनकी संख्या संलग्न करनी है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं या किस जगह जो है ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये जो फ्रेंड्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि चेकलिस्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपराधिक रिकॉर्ड न होने का घोषणा पत्र, आय का घोषणा पत्र, इनका जो प्रारूप है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इससे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। या फिर जो आप चैनल या वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर इन सभी का लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर ले कुछ ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, या फिर आपका जो किसी डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन कंडीशन में आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है या फिर आपके फादर का नाम गलत है, तो उस कंडीशन में आप जो है एफिडेविट साथ में लगा सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे आपने अभी तक नहीं बनाया, तो उसके लिए भी आप जो है एफिडेविट लगा सकते हो। और उनको एफिडेविट जो है उसको आप जैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे भी उनको साथ में अटैच कर सकते हो, या फिर फिजिकली आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओगे तो वहाँ आप एफिडेविट ले जा सकते हो आपके पास में जिस भी डॉक्यूमेंट्स की कमी हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको 10 तारीख के बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के टाइम ये आपको लेके जाना है, तो इनको आपको जो ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको 10 तारीख के बाद में जो भी आपको स्लॉट दिया जाएगा, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो उस टाइम आपको लेके जाना है। तो इनको जो है आपको बनवा लेना है, इनको जो है जल्दी कंप्लीट करवा लेना है। और आपको जो है घोषणा पत्र किसी स्टाम्प या नोटरी नहीं करवाना है, आपको सादा कागज़ पर इसको बनाना है। तो इस प्रकार से जो आप रिट 2021 के लिए काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा सकते हो, अपने जो घोषणा पत्र हो फ्लिप कर सकते हो और अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दी है, आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, और साथ ही वीडियो को एक लाइक और अपना प्यार जरूर देना। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलता हो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।